हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यम्मी फूड बाय मिथुला। आज हम दिखाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता विथ स्क्रैम्बल्ड एग। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको खाने में भी अच्छे होते हैं। इसको आप लोग इवनिंग के टाइम पे खा सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस पास्ता को सिंपल तरीक़ों से बनाया है। आप लोग चाहे तो इसमें आपके मनपसंद कोई भी सब्जी लाइक गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न और बीन्स ऐड कर सकते हैं। इस पास्ता को बनाने के लिए हमें चाहिए बटर, लहसुन पेस्ट, अंडे, दूध, मैदा, काली मिर्च पाउडर, नमक, रेड चिली फ्लेक्स और पास्ता। चलिए शुरू करते हैं। एक बर्तन में पानी लीजिए, पानी को थोड़ी देर उबल लीजिए। अब जितना पास्ता लिया है उसकी डबल क्वांटिटी में पानी लीजिए। अब पास्ता को पानी में थोड़ी देर उबल लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा वाइट ऑयल डाल दीजिए। वाइट ऑयल डालने से पास्ता एक के साथ एक चिपक नहीं जाएगी। अब पास्ता को और थोड़ी देर उबल लीजिए। थोड़ी देर उबलने के बाद अब पास्ता को चेक कर लीजिए कि पास्ता अच्छे से कुक हुआ कि नहीं। अब ध्यान रखें पास्ता पूरी तरह गलना नहीं चाहिए, नहीं तो पास्ता की टेस्ट अच्छी नहीं लगेगी। पास्ता 80% कुक होना चाहिए। अब पास्ता को पानी में से निकाल के अच्छे से धो लीजिए। अब एक कढ़ाई लेके उसमें बटर लीजिए। अब बटर को अच्छे से गलने दीजिए। बटर जब अच्छे से गल जाए फिर इसमें थोड़ा सा लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। अब लहसुन को थोड़ी देर बटर में भून लीजिए। अब ध्यान रखें लहसुन की कलर चेंज ना हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैदा डाल दीजिए। अब मैदा को भी थोड़ी देर भून लीजिए। अब मैदा को हल्का सा ही भूनना, नहीं तो सॉस की कलर चेंज हो जाएगी। इस समय गैस का फ्लेम लो रखें। अब मैदा में जल्दी से दूध डाल दीजिए। अब दूध के साथ मैदा को जल्दी से जल्दी मिला लीजिए, नहीं तो मैदे में गुठली आ जाती है। अब इस सॉस को लगातार चलाते रहिए। थोड़ी देर बाद अब देख सकते हैं एक गाढ़ा सॉस बन के तैयार हो गया। सॉस को और थोड़ी देर चलाइए। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। अब इसको सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कीजिए। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसमें बॉईल किए गए पास्ता को डाल दीजिए। अब पास्ता को सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कीजिए। अब ध्यान रखिए गैस का फ्लेम लो ही रहे, नहीं तो पास्ता की कलर चेंज हो जाएगी और खाने में भी अच्छे नहीं लगेगी। फिर इसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल के आप पास्ता के साथ मिक्स कर लीजिए। तैयार हो गया व्हाइट सॉस पास्ता। अब हम स्क्रैम्बल्ड एग बनाएंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा सा बटर लिया है। अब बटर और ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च के साथ दो अंडे अच्छे से फेंट के डाल दीजिए। अब
अब अंडे को एक करछी की मदद से हल्का सा स्क्रैम्बल कर लीजिए। जब हल्का सा स्क्रैम्बल हो जाए और अंडे हल्का सा फ्राई हो जाए, फिर आप एक करछी की मदद से और भी हल्का सा एक स्क्रैम्बल बना लीजिए। अब ध्यान रखें अंडे पूरी तरह फ्राई ना हो जाए। जब अंडे हल्का सा स्क्रैम्बल हो जाए तब कढ़ाई में से निकाल लीजिए। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो विदाउट एग के खा सकते हैं और जो नॉन वेज है वो स्क्रैम्बल एग के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को आगे से और भी नई नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।